फिफ्थ क्वेश्चन में ई नंबर है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर का ग्रुप है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, जिसमें 625 एंड यहाँ भी 625 दोनों में है, मतलब यहाँ पे हम दो बार ना लिखकर एक बार लिखेंगे, मतलब इन्हें कॉमन ले लेंगे, तो 625 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई, फिर जिस नंबर को जिन ग्रुप से कॉमन लिया जाता है उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो इस ग्रुप से 625 को कॉमन लिया तो बचा सिर्फ -35, तो यहाँ पे आपको लिख देना है -35। देन ये वाला प्लस, फिर यहाँ से भी 625 को कॉमन ले लिया, ये बाहर है, तो बचेगा क्या सिर्फ 65, एंड यहाँ पे माइनस भी बचेगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन नहीं लिया है, तो ये वाला माइनस तो इसके साथ ही है क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, मतलब इस वाले ग्रुप में माइनस तो है, तो -65 यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे लिख देना है आपको -65, देन बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे इन दोनों नंबरों में माइनस भी है, तो आप चाहे तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर से दोनों जगह से माइनस हट जाएगा, जैसे -625 लिख दिया, देन मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट, तो सिर्फ अब यहाँ पे 35 बचेगा एंड प्लस 65 बचेगा क्योंकि माइनस को हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। अब इजिली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस 625 ही आएगा, देन ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को जब ऐड करेंगे तो 65 प्लस 35 100 आएगा। अब 625 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर 625 है, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर 1 है, तो 625 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 625 ही आएगा, एंड कितने जीरो हैं, दो जीरो यहाँ पे हैं, तो ये दो जीरो को हमने यहाँ पे लगा दिया, एंड यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो आंसर में माइनस 62,500 आएगा। एंड एफ नंबर है 7 × 50 - 2। यह नंबर कुछ a × b - c के फॉर्म में लिखा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, a × b - a × c, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे a 7 है, b 50 है एंड c 2 है, तो a × b मतलब 7 × 50 होगा, देन माइनस है एंड a × c मतलब 7 × 2 होगा, तो यहाँ पे यही लिखना है 7 × 50 देन माइनस 7 × 2 मतलब a × c। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो नंबर 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 × 5 = 35 एंड कितने जीरो, सिर्फ सिंगल जीरो यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दिया जीरो, देन माइनस है एंड 7 × 2 = 14, तो ये आ गया 14। अब 350 को 14 से सब्ट्रैक करें, तो जीरो से 4 सब्ट्रैक नहीं होगा, इसलिए इसको 10 बना लेंगे कैरी लेकर, तो 10 - 4 = 6 आएगा, ये 6 हुआ, देन इस 5 ने कैरी दे रखा है तो ये 4 कहलाएगा, 4 - 1 = 3 आएगा, देन ये 3 है, इसने किसी को कुछ कैरी नहीं दिया तो सिर्फ 3 ही है, यहाँ पे 3 आएगा, मतलब आंसर आया है 336। देन जी नंबर में क्या बोला गया है, -17 × -29, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, फर्स्ट तो -17 ही है, देन मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे -29 को हम और क्या लिख सकते हैं कि जीरो के फॉर्म में नंबर आ जाए, क्योंकि जीरो के फॉर्म में नंबर आने से बहुत तेजी से कैलकुलेशन होता है, तो -29 को मैं -30 + 1 लिख सकता हूँ। क्यों, -30 + 1 डिफरेंट इंटीजर है, डिफरेंट इंटीजर में नंबर सब्ट्रैक होगा, 30 से 1 सब्ट्रैक होकर 29 ही आएगा, एंड जो बड़े नंबर के पहले चिन्ह है मतलब माइनस है तो माइनस आएगा, मतलब -29 इन दोनों के कैलकुलेशन से आता है, तो -29 की जगह हम -30 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे जीरो के फॉर्म में नंबर चाहिए, जीरो फॉर्म में नंबर होने से क्या होता है, कैलकुलेट फास्ट होता है, तो ये फिर से a × b + c के फॉर्म में आ गया, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का प्रॉपर्टी यूज होगा, मतलब a × b + a × c का यूज होगा, जिसमें a -17 है, b -30 है एंड c 1 है, एडिशन केस है इसलिए यहाँ पे ऐड है, तो a × b क्या होगा, -17 × -30 होगा, देन प्लस है एंड a × c -17 × 1 होगा, यहाँ पे इन दोनों
नंबर को एंड यहाँ पे इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये दोनों नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा एंड नॉन जीरो नंबर यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 3 है, 17 3 जा 51 होता है यदि आपको टेबल बनती है 17 का तो। एंड यहाँ पे इन दोनों नंबर में एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे लगा दिया गया। देन प्लस, फिर जब माइनस 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब माइनस 17 ही आएगा। इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, ये 510 है, देन प्लस इनटू माइनस माइनस 17 आएगा। 510 को 17 से सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इसे कैरी लेकर 10 बना लेंगे। तो 10 माइनस 7 3 आएगा, देन इस 1 ने कैरी दे रखा है तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 1 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो इस 5 से कैरी लेंगे। जब इस 5 से कैरी लेंगे तो ये 4 बनेगा एंड ये 0 था तो ये 10 बन गया, मतलब 10 माइनस 1 9 होगा एंड यहाँ पे 4 है तो 493 आंसर आया है। प्रॉपर्टी का नाम नहीं भूलना है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देन एच नंबर है -57 इंटू -19 +57। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई है, मतलब ये दोनों नंबर एक ग्रुप में है। देन प्लस है, यहाँ पे 57 है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस ग्रुप में दो नंबर है एंड यहाँ पे सिंगल नंबर है, बट इस ग्रुप में 57 है एंड यहाँ भी 57 है तो 57 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं तो ले लीजिए 57 कॉमन। तो जब 57 कॉमन हमने ले लिया है तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे तो 57 बाहर चला गया तो यहाँ पे -19 एंड ये वाला माइनस बचा है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 19 ही बचेगा। देन ये वाला प्लस एंड यहाँ से 57 बाहर चला गया, कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। 1 कैसे बचेगा, देखिए 57 इंटू 1 57 ही होगा, ठीक, तो यहाँ पे यही 57 था तो 57 को हम 57 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये वाला 57 जब कॉमन चला गया, बाहर चला गया तो सिर्फ 1 बचा अंदर, तो यही 1 तो मैंने लिखा है, क्या गलत लिखा मैंने। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 57 होगा। देन ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर क्या है, 19 प्लस 1 जो कि 20 हो जाएगा। अब तो 57 एंड 20 को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 57 नॉन जीरो नंबर है एंड 2 यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है तो 57 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 जा 14 होगा, 14 का 4 एंड 1 कैरी, देन 2 5 जा 10 होगा प्लस 1 11, देन इन दोनों नंबर में कितने जीरो है, एक जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो लगा देना है, मतलब 1140 इनके मल्टीप्लीकेशन आएगा। इस तरीके से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी का यूज किया है। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, आपको लिखना है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया हमने बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। ए बी सी डी जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसे क्लिक करके आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सो थैंक यू।